और डाइवर्ट करने की राजनीति करेगी सपा की विंग जन संघर्ष पार्टी राम अचल राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष। जगतपुर में आयोजित जन संघर्ष मोर्चा पार्टी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। रनिया जगतपुर स्थित श्री राम उत्सव वाटिका में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लकड़ पहलवान की अध्यक्षता में रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख विंग जन संघर्ष मोर्चा का बैठक आयोजन किया, जिसके दौरान मुख्य अतिथि राम अचल राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अकबरपुर समाजवादी पार्टी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रमाशंकर राजभर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन का कार्य डॉक्टर सुभाष राजभर वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी ने किया। सपा के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अचल राजभर ने ग्वालियर की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, इनकी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, चुनौती इत्यादि चरम सीमा पर है। हम बैठक के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि पदाधिकारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, उसके पास में हमारी पार्टी वोट मांगने से काम करे। इस बार सपा की विंग्स जन संघर्ष मोर्चा पार्टी वोट डाइवर्ट करने की राजनीति करेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोपाल यादव, ग्राम प्रधान श्री प्रकाश यादव आदि लोग मौजूद रहे। यूपी वाराणसी से रवि कुमार यादव। अकबरपुर अम्बेडकर नगर से विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी से और जन संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सभा आपके जन संघर्ष मोर्चा जो पार्टी आपने गठित की है, किन मुद्दों को लेकर आप? मेरे लिए ये सामाजिक संगठन, हम गरीब वंचित पीड़ित शोषित सर्व समाज के भाई बहनों को इस बहनों तले इकट्ठा करके और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा, कानूनी व्यवस्था, यानी सारे मुद्दों पर उनकी मदद के लिए संगठन बनाया गया है और साथ ही साथ जागरूक किया जा रहा है आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के जो भी चुनाव हो उनमें उनका साथ दिया जाए। और ये अभी एक साल हुआ है, 7 नवंबर के एक साल होगा राम अचल राजभर संघर्ष मोर्चा कल साल है, लेकिन उस समय मैं समाज बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया था, तो एकाएक जल्दी से रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा गठित करके उसी के बैनर तले पूरे प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ राष्ट्रभर समाज को उस संगठन से जोड़ने का काम किया। और 7 नवंबर 2021 को मैं समाजवादी पार्टी एक बड़ा फंक्शन करके रैली करके भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में करके हम पार्टी ज्वाइन किया और आने चुनाव हुआ 2022 में तो 80 से ज़्यादा पूर्वांचल की सीट जीती है समाजवादी पार्टी। तो यादव मुस्लिम के साथ साथ तीसरा बड़े पैमाने पर राजभरों ने किया, साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों ने साइकिल पे बटन दबाया तो 80 से ज़्यादा विधायक जो पूर्वांचल से जीतकर समाजवादी विधानसभा में पहुँचने का काम किया। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार भाई बहन सड़कों पे हैं, जो रोटी मांगने गया उसको लाठी मिली और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है, पूरे प्रदेश में देश में हाहाकार मचा है। तो आज इसी तारतम्य में ये पहली बैठक बुलाई गई जन संघर्ष मोर्चा, और ये हमारे तमाम ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई डॉक्टर शंकर राजभर जिला राजभर कोषाध्यक्ष भाई मिट्टू निकाय चुनाव होने वाले, इसी तरह जो है हम अपने सर्व समाज को इस मंच जन संघर्ष मोर्चा के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं। और जहाँ तक स्थानीय निकाय, जहाँ तक निकाय के चुनावों की बात है, तो ये इसका जो लाभ है उसमें भी मिलेगा, जो सर्व समाज के लोग खड़े होंगे, जो समाजवादी पार्टी से खड़े होंगे उनके लिए हम उसी तरह ये डाइवर्ट करेंगे कि ये वोट जो है समाजवादी पार्टी के ही तरह से करते हैं। अच्छा, उपचुनाव का परिणाम भी आया है और रामपुर और जयपुरारी जो पिछली बार 2022 में लगभग 97,000 वोट गोला में पाए थे, सेकंड थे और अब की बड़ा उम्मीद था। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष राजभर है, ऐसे से हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जगतपुर पीजी कॉलेज जगतपुर वाराणसी में मनोविज्ञान विभाग में, और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही है। और आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? यह समाजवादी पार्टी
कि जनाधार को बढ़ाने के लिए, चूँकि जब श्री रामचंद्र राजभर जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे और 4 स्टेटों के प्रभारी रहते थे, इसके बावजूद जब भवन मायावती जी ने उनको अचानक से पार्टी से बाहर कर दिया तो उनसे बहुत बार प्रयास किया गया बातचीत करने का कि आखिर कारण क्या है, क्यों निकाल रहे, लेकिन जब वो सुनने को तैयार नहीं हुई तो हम लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों, कमेरा समाज के लोगों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और सर समाज के गरीबों की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, अगर कोई भविष्य है उत्तर प्रदेश का, भारत देश का, तो वो माननीय अखिलेश यादव हैं। इसलिए हम लोगों ने रामचंद्र संघर्ष मोर्चा को समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया और उसी कड़ी में हमारे जो माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी इस समय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो अकबरपुर से विधायक बने समाजवादी पार्टी के, जैसा पहले से विधायक थे ही। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो हम कहें कि जैसे विदेशी आक्रांता कभी हमारे भारत देश और देश में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे, उस तरीके से वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े और विशेष रूप से जाति आधार पर कमजोर जाति वालों को, जो कहीं से अपराधी नहीं हैं, उन्हें अपराधी दिखा के, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में अपराधी कानून में लाद दिया जाता था, उनको काउंटर कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था, उनके घर मकान तोड़ दिए जाते थे। सारे अपराध तो अखिलेश जी के राज्य में भी था। आज आप लोग जो जिसे चाकू से मारना चाहिए उसे कार्बाइन से मारा जा रहा है। आप बताइए, क्या राजभर, मुसलमान, लोहार, कुहार, गडरिया, केवट, बिंद, मला, यादव, पटेल, कुर्मी, क्या सिर्फ यही अपराधी है? अपराधी आपको पता नहीं है कि पूर्वांचल में कौन अपराधी है? ब्रजेश सिंह अपराधी नहीं थे, विनीत सिंह अपराधी नहीं है, जो उनके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की जो जाति के लोग हैं, या हम ऐसे कहें कि तथा कथित जो सवर्ण समाज मनुवाद की सोच रखने वाले जो अपराधी हैं, जो बड़े बड़े अपराध किए, 20-20, 50-50 हीनियस क्राइम जिनके ऊपर है, वो मुख्यमंत्री जी के नज़र में अपराधी नहीं है, वो बल्कि बहुत सज्जन इंसान है। और हमारी पार्टी कभी भी, समाजवादी पार्टी, किसी भी अपराधी को मौका नहीं देती है। हम अपराध और अपराधी के खिलाफ रहने वाले पार्टी हैं। हम गरीब जनता की लड़ाई लड़ते हैं और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो संरक्षक रहे, जो भी दिवंगत हुए, आप लोगों को पता होगा उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। वो जमीन से जुड़े लोगों की लड़ाई लड़ने वाले नेता रहे और उन्हीं के प्रतिबिंब श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए हम सारे लोग, यह जो संघर्ष मोर्चा चल रहा है, इसका मकसद, एक मकसद यह है कि जो लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, वह मेरे माध्यम से, श्री रामचंद्र राजभर जी के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, हम उन समस्याओं को हाउस में, सदन में उठाएंगे और शासन प्रशासन में विशेष रूप से इनकी बातों को दमदारी से रखने के लिए इस संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है।